नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लद्दाख अमेज न्यूज में। मैं अनिल शर्मा, तहसील त्रियार, जिला रजौरी। तो आज हम आए हैं यहाँ पंचायत जंगरियाल ईस्ट, जो कि यहाँ के सरपंच हैं मास्टर केवल कृष्ण जी। तो आज यहाँ पर हमने इनसे बात की है, डोर टू डोर इन्होंने प्रोग्राम रखा था, जो कोविड को लेकर लोगों को अवेयर कर रहे थे कि जो सरकारी SOP हैं उनका पालन करें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, धोएं, ताकि हम इस महामारी से बच सकें। तो उसी को देखते हुए हमने एक यहाँ पर जो गुलाबगढ़ में जो महाराजाओं के टाइम का किला था उसको देखा, तो उसके दृश्य देखे, ताकि हमारी जो सरकार है जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले भी हमारे ही जम्मू कश्मीर सरकार के जो यहाँ पर इस पर खर्चा हुआ था, तो उसी को देखते हुए ताकि हमने सोचा कि चलो इसको मेंटेन किया जाए। तो ये बाकी हम यहाँ के दृश्य दिखाएंगे और यहाँ के सरपंच जी से भी बात करेंगे। जय हिंद। मैं सरपंच मास्टर केवल कृष्ण शर्मा, पंचायत हल्का जंगलियाल ईस्ट, ब्लॉक मोहगला से। ये जो गुलाबगढ़ किला है, ये पंचायत जंगलियाल ईस्ट और वार्ड नंबर 8 है गुलाबगढ़, इसमें पड़ता है और विलेज इसका भरेवी है। तो सर, मैं आप का इस शुक्रगुजार हूं कि आपने जहां इस किले की सुध लेने के लिए, इसको ऊपर इस आवाज पहुंचाने के लिए आप जहां पर आए हैं, तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। मैं सबसे पहले इस किले की जो हिस्ट्री है वो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो किला है, कहते हैं कि ये मुगलों के वक्त ये बना था 16वीं शताब्दी। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जी आए, उन्होंने इसके रेनोवेशन की। तो मेरे ताया जी थे, उनकी उम्र कम से कम 95 ईयर्स, 95 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। तो वो बताते थे कि हमारे जो पिता थे वो जहां पर मजदूरी करते थे और आना दो अन्य दिहाड़ी के उन्हें जहां पर मिलती थी। तो क्या सर, जहां पर आपने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को आपने इस किले के बारे में इन्फॉर्म किया आज से पहले? सर, जब से मैं सरपंच बना हूं, हमारे जो प्रोग्राम होते रहे, मैं इस किले का हर जगह बखान करता रहा, कहता रहा कि हमारे एक किला है गुलाबगढ़ है, पर एक ही कमी थी पानी की, वो भी मुझे उम्मीद है कि वो भी जल्दी से जल्दी पानी का जो है प्रॉब्लम थी वो भी हल हो जाएगी। सर, यहाँ जो किले के अंदर मंदिर है कालका माता का, हमने देखा, तो उसका क्या रहस्य है, उसके बारे में आप बताएंगे? जहां पर भी ये किले बने हैं वहां पर ही कालका माता का मंदिर बना है। बदकिस्मती से इस किले की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जहां के हम जो लोग हैं हमने भी इसकी ओर कोई इतनी तवज्जो नहीं दी। जो पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जहां पर वो मन्नतें मांगते थे उनकी मन्नतें पूरी होती थी, और जहां पर वो कीर्तन वगैरह वो वगैरह करते थे, आज भी जो लोग जहां पर जो कोई मन्नत अपने पक्के इरादे से वो करता है उसकी मन्नत पूरी होती है। तो जहां पर MP साहब ने कुछ पैसे रखे थे इसके प्लेटफार्म के लिए, वो नहीं लग सके, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम रही है। एक तो जहां पर पानी की सबसे ज्यादा कठिनाई है, प्रॉब्लम है, जहां पर पानी नहीं मिलता है इसको बनाने में। अगर हम जो हमारी NGOs हैं, जहां और धार्मिक जो हैं संगठन है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस कालका मंदिर के लिए बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें, ताकि ये मंदिर बन सके।
अभी सर कोविड का जो कहर चल रहा है उसी को लेकर मैंने सुना कि आप डोर टू डोर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसी प्रोग्राम को करते करते हमारी नज़र पड़ी इस किले पर, तो हमने सोचा कि चलो जहां पर आ जाएं स्पेशल। तो आज हम इस किले के लिए आए नहीं क्योंकि कोविड-19 का जो कहर चल रहा था, तो उसी को लेकर आप हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए कि हम किस दूसरे मिशन पर थे और जहां पर भी आ गए अचानक। सर हमारा जो आज का ये मिशन था ये किले का ही नहीं था, बल्कि हमारा जो मिशन है, अब जो मिशन चल रहा है वो मेरा यानी के हर वार्ड के अंदर है, हर डोर टू डोर है, लोगों को समझाने का है, लोगों को जो हमारा कोविड ये महामारी जो चल रही है इसके बचने के लिए हमें किस ढंग से हम बच सकते हैं। मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि अपने घर पे ही रहें, ऐसे ही फजूल बाजार में ना जाएं, बाहर ना जाएं, मास्क पहने रखें और कोई गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो मैं जे लोगों को कहता हूं सफाई बनाए रखें, तो यही है। तो उसके साथ साथ आज फिर इधर आ गए गुलाबगढ़ में आए तो ये किले का भी यानी के ये बदनाम हो गया।